हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो आज हम लोग कल यानी कल तो वैसे बैंक हॉलीडे है, ट्रेडिंग हॉलीडे भी, तो 10 अगस्त को बैंक निफ्टी के अपने कौन से बाइंग और सेलिंग लेवल्स रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे बैंक निफ्टी ओपनिंग हुआ, लाइक हम लोग ने मैंने प्रीमियम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया था। और प्रीमियम चैनल मैंने ओपन क्यों किया, इसके पीछे मेन रीज़न ये कि किसी को भी ना यहाँ पे मेहनत नहीं करना है। लाइक मैं एनालिसिस का वीडियो डालता हूँ, वो भी देखने के लिए टाइम नहीं है। आप क्या रियल मनी डाल रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है? जो उसको कमाने में आप जितना मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा भी मेहनत यहाँ पे कर दोगे ना, तो आप पूरा महीने में जितना कमाते हो, 2-3 दिन में यहाँ पे उतना पैसे बना लोगे। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स भी लगाने पड़ेगा, आपको रेडीमेड यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं एनालिसिस का वीडियो डालता हूँ, कोई देखता नहीं है। लाइक उसके लिए मैंने प्रीमियम चैनल चालू किया कि भाई रेडीमेड देने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, ठीक है? कुछ एफर्ट्स आपको खुद को भी लगाना पड़ेगा। अगर एफर्ट्स नहीं लगाना है तो फिर प्रीमियम चैनल उसके लिए मैंने चालू किया जिसको रेडीमेड चाहिए उसके लिए, ठीक है? मतलब सपोर्ट नहीं करोगे मेरे वीडियोस पे, अगर 1000 व्यू भी आने लगा ना, मैं प्रीमियम चैनल नेक्स्ट डे बंद कर दूंगा, ठीक है? 4-5 वीडियोस में मेरे को कंटिन्यू 1000 व्यूज मिल गए, मैं प्रीमियम चैनल बंद कर दूंगा। मेरे को अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं फ्री में भी आपको नॉलेज देने के लिए रेडी हूँ, जो मैं पहले ऑलरेडी देता था, ठीक है? प्रीमियम चैनल मैंने अभी अभी रिसेंटली चालू किया है। तो आज जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ तो मैंने प्रीमियम चैनल में ऑलरेडी बोल दिया था कि 750 के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं, अपने को सेलिंग देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी हम लोग बाइंग करेंगे 38,150 का अभी। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, तो जैसे ओपन हुआ लाइक अपना सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ, ठीक है? तो मैंने जैसे ही ओपन हुआ, मैंने स्टार्टिंग में ही लाइक 10 सेकंड के अंदर ही मैंने पुट खरीद लिया था। मेरे को पता था कि यहाँ पे 50-60 पॉइंट्स आराम से हम लोग प्रीमियम गेन कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें हम लोग को 45 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल गया था, ठीक है? और उसके बाद आप अगर ऑप्शन ट्रेड करो तो आपके व्यू भी आपको बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुट बोल दिया तो फिर पुट पकड़ के बैठोगे 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, ठीक है? अभी यहाँ पे जैसे ही ये लेवल था 750, ऑलमोस्ट 700 का लेवल था, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और 5 मिनट का कैंडल भी एक्टिवेट नहीं हुआ, यहाँ से अपने वो कंटिन्यू बाइंग देखने मिला। उसके बाद अपना जो लेवल था इसके ऊपर कि 38,150 के ऊपर निकलेगा तभी हम लोग बाय करेंगे। तो यहाँ पे एक रेंज अच्छा खासा बनाया, फिर हम लोग ने यहाँ पे एक पुट दिया था 240 के अराउंड, वो उसने हाई बनाया, ऑलमोस्ट 345 का हाई बनाया था, ये मूवमेंट हम लोग ने कैच किया उसके बाद, ठीक है? तो अब जैसे कि मैंने लेवल दिया, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता 150 के ऊपर जाता ही नहीं था तो मैं पूरे दिन ट्रेड लेता ही नहीं था। लाइक जैसे कि आप लोग ने फ्राइडे को देखा, फ्राइडे ऐसे ही मार्केट यहाँ पे था, फ्राइडे हम लोग ने मॉर्निंग सेशन में ट्रेड किया, आफ्टरनून सेशन में ट्रेड नहीं किया, क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्केट कैसा था, ठीक है? तो अभी डेली बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि अपना इंटरेस्टिंग लेवल कौन सा रहेगा, या फिर अपने को और बाइंग, अभी मार्केट बहुत ही बाइंग में बुलिश है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? तो अभी हम लोग डेली चार्ट पे देखते हैं, डेली चार्ट पे अपना क्या एनालिसिस रहेगा, क्या अपने को पैटर्न दिख रहा है कुछ इंटरेस्टिंग। तो आप डेली चार्ट में यहाँ पे देख सकते हो कि जो अपना प्रीवियस जो हाई बना रहा था उसके ऊपर ऑलरेडी अच्छा खासा क्लोजिंग मिला अपने को, 38,337 का अपने को क्लोजिंग मिला है। तो अभी उसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है यहाँ पे 39,000 तक भी जा सकता है, नेक्स्ट टारगेट अपना 39,500 तक भी अपने को एक रैली देखने मिल सकता है, ठीक है? यहाँ पे अच्छा खासा अपर लेवल पे टाइम स्पेंड किया तो यहाँ से अपने को ब्रेक, अभी हम लोग कॉल के लिए ज़्यादा प्लान करेंगे, पुट के लिए हम लोग छोटे छोटे प्लान करेंगे, लेकिन कॉल के साइड अपने को ज़्यादा रैली हम लोग कैच करने का प्लान करेंगे अभी। तो 15 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था मार्केट ने आज दोपहर को, ये वाले सेशन में यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। और मैंने यहाँ पे एक पुट भी लिया था ये लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे जो हिसाब से रैली कर रहा था इतना लाइक ये 10% जितना करेक्शन था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से थोड़ा ज़्यादा करेक्शन आएगा 38,000 तक, उसके बाद यहाँ से रैली किया तो अच्छा खासा ब्रेकआउट रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे इतना करेक्शन आया नहीं, तो यहाँ पे जब भी फिर से यहाँ पे रैली चालू किया तो मैंने यहाँ पे टॉप पे ही जैसे ही पहला रेड कैंडल बना वहाँ पे मैंने पुट ले लिया था और 15-20 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, तो उसके पास जैसे आया कि जैसे हम लोग मार्केट बियरिश मार्केट रहे तभी हम लोग क्या प्लान करते हैं, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाएगा, अगर बियरिश मार्केट है, ठीक है, बियरिश मार्केट है, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाएगा हम लोग यहाँ से सेल करते हैं। तो ऐसे ही अगर बुलिश मार्केट है, जैसे ही यहाँ पे आएगा तो हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सेल करने के बाद यहाँ पे अगर कुछ पोजीशन है आपका तो एग्जिट करना चाहिए सपोर्ट के पास, क्योंकि सपोर्ट के पास जैसे आएगा मार्केट में फिर से बाय एक्टिव हो जाएगा। तो आप लोग ने यही देखा, और हम लोग 40-50 पॉइंट्स भी मैं एवरी वीडियोज़ में बोलता हूँ, 40-50 पॉइंट्स अपने एक ट्रेड में मिल गया, दैट्स मोर देन इनफ। अगर दिन में एक भी ऐसा ट्रेड मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको डेन कर देना चाहिए, क्योंकि आपके कैपिटल के ऊपर 15-20% ऑलरेडी गेन मिल जाता है, ठीक है? और आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, अभी मार्केट यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेट कर रहा था, अभी हम लोग सेलिंग तभी करेंगे, सेलिंग अपने को एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे ही देखने मिलेगा, जो अपना लेवल था 37,750 के नीचे अपने को सेलिंग देखने मिलेगा। जब तक इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है 38,000 के ऊपर अभी तो ट्रेड हो गया, जो कि बहुत ही बार रिटेस्ट करने में 38,000 को ब्रेकआउट किया है, तो अभी मार्केट इज़ वेरी बुलिश। तो अभी हम लोग पुट के लिए इतना प्लान नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स अपने को इंट्राडे में कभी भी मिल सकते हैं, कैसा भी मार्केट रहेगा। अभी यहाँ पे पूरा बुलिश मार्केट है, फिर भी अपने को आज जैसे दोपहर में मैंने 45 पॉइंट्स निकाला, तो आपका अगर एनालिसिस बराबर है, आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बराबर पता चल रहा है, तो आप कोई भी मार्केट में पैसे बना सकते हो। साइडवे मार्केट में पैसे बनाने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, लेकिन अगर आपको समझ गया कि मार्केट कौन से मूड में अभी, तो उसके हिसाब से आपको पैसे बनाने बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो
यही अभी हम लोग प्लान करेंगे कि यहाँ पे किधर बैंक निफ्टी वेनेसडे के दिन ओपन होता है, तो अपने को जैसे यहाँ पे अपना जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेकआउट देगा, 300 के ऊपर जाएगा, 38,300 के ऊपर हम लोग प्लान करेंगे और टारगेट अपना हो जाएगा 38,500 का। अभी मार्केट ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद अगर ये लेवल के आसपास किधर भी कोई भी हैमर कैंडल या फिर बुलिश कैंडल कोई दिखता है तो यहाँ से हम लोग फिर से बाय कर सकते हैं, फिर से जो डे हाई रहेगा वहाँ तक अपने टारगेट्स रह सकते हैं। और अपना सेलिंग के लिए यहाँ पे हम लोग ज़्यादा प्लान करेंगे, ये लेवल के पास आएगा तभी हम लोग सेलिंग ज़्यादा प्लान करेंगे, उसके बाद उसके अलावा हम लोग सेलिंग इतना प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।